संगम नगरी यानी प्रयागराज। प्रयागराज का नाम तब इलाहाबाद हुआ करता था। संगम के तट का पानी शीशे की तरह साफ हुआ करता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम और उसके छात्र नेताओं की हुंकार पूरे यूपी में गूंजती थी। 80 के दशक में इलाहाबाद बदल रहा था, या यूं कहें कि नया रंग रूप, आकार और सियासी आवरण अख्तियार कर रहा था। नए कॉलेज बन रहे थे, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे थे, बड़े बड़े सरकारी ठेके बट रहे थे। इलाहाबाद के छात्र नेता और शहर के दबंग लोगों में दौलतमंद बनने की चाहत बुलंद हो रही थी। इसी दौर में चकिया मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद सुर्खियों में आता है। 1979 में फिरोज तांगे वाले का बेटा और चकिया मोहल्ले का वो लड़का अतीक अहमद हाई स्कूल में फेल हो जाता है। पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे, लेकिन बेटे के सिर पर जल्दी अमीर बनने का जुनून सवार था। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उसके गुनाहों का धंधा वक्त के साथ साथ फलता फूलता रहा। वो चकिया और आसपास के इलाकों में रंगदारी वसूलने लगा। लेकिन उस दौर में एक शख्स ऐसा भी था जिसे अतीक अहमद की दबंगई अखरने लगी थी। पुराने इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा के नाम का खौफ हुआ करता था। लोग बताते हैं कि पुलिस भी उस दबंग के इलाके में जाने से डरती थी। अगर कोई पुलिस वाला गलती से चला भी गया तो चांद बाबा के गुंडे उसे पीट कर ही वापस भेजते थे। चांद बाबा के छोटे से गैंग के सामने चकिया का 20 साल का लड़का अतीक अहमद खुद को उससे बड़ा गुंडा साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था। उम्र के साथ साथ बदमाशी की दुनिया में भी अतीक अहमद चांद बाबा से बहुत छोटा था, लेकिन पुलिस और उस दौर के कुछ नेता अतीक अहमद को शह दे रहे थे। वो चांद बाबा के खौफ को खत्म करने के लिए लोहे को लोहे से काटने की कोशिश कर रहे थे। स्थानीय पुलिस, नेता और बदमाशों के इसी कॉकटेल के दम पर अतीक अहमद गुनाहों का हमसाया बनता चला गया। बाहुबली और 80 से ज्यादा मुकदमों में आरोपी अतीक अहमद के दर्जनों किस्से हैं। कहते हैं गुनाहों की दुनिया में जाने के कुछ दिनों बाद ही उसने अपना राजनीतिक गठजोड़ इतना मजबूत कर लिया था कि एक बार जब उसे पुलिस उठा ले गई तो उसने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 1986 की बात है, यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। चकिया के अतीक अहमद का गैंग पुलिस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। उस वक्त पुलिस अतीक और उसके लड़कों को गली गली खोज रही थी। एक दिन पुलिस ने उसे उठा लिया। पुलिस वाले उसे थाने नहीं ले गए। किसी को खबर नहीं लगी कि आखिर हुआ क्या। सब ने समझा अब अतीक का काम तमाम हो चुका है। लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन आया। बताया जाता है कि वो फोन एक सांसद का था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद करीबी थे। दिल्ली से फोन आया लखनऊ, लखनऊ से फोन किया गया इलाहाबाद और पुलिस को अतीक अहमद को छोड़ना पड़ गया। पुलिस और नेताओं को यह एहसास भी नहीं था कि अतीक सिर्फ चांद बाबा के लिए नहीं बल्कि आगे चलकर कानून के लिए भी बड़ी चुनौती और सियासत के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। अतीक अहमद और चांद बाबा में कई बार गैंगवॉर हो चुका था। दोनों ने चुनाव लड़ा, अतीक विधायक बन गया और चांद बाबा हार गए। 1989 में चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई। बीच चौराहे, फरे बाजार, ये सिर्फ प्रयागराज के पुराने गैंगस्टर की हत्या नहीं थी बल्कि नए गैंगस्टर के बाहुबल का खूनी उदय भी था। कहते हैं पुलिस की शह पाकर अतीक अहमद ने एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म कर दिया। उसकी हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक का टिकट लेने की हिम्मत तक नहीं कर पाते थे। इसी वजह से 1991 और 93 में वो लगातार निर्दलीय चुनाव जीता। इसी बीच समाजवादी पार्टी से उसकी नजदीकियां बढ़ी। 96 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वो चौथी बार विधायक बना। 1999 में उसने अपना दल का हाथ थाम लिया। 2004 में बाहुबली अतीक ने यूपी को हिला देने वाली घटना को अंजाम दिया। 2004 में उसने एक बार फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और फूलपुर से सांसद का चुनाव जीत गया। उसके सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम सीट खाली हो गई तो उसने अपने भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन अतीक का भाई बीएसपी के राजू पाल से 4000 वोटों से हार गया। राजू पाल जो कभी बाहुबली अतीक अहमद का ही दाहिना हाथ हुआ करता था, उस समय राजू पर 25 मुकदमे दर्ज थे। राजू पाल के हाथों अपने भाई की हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 में राजू पाल विधायक बन गया, लेकिन अतीक उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया।
क्योंकि उसने उसके बाहुबल को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। नवंबर 2004 यानी विधायक बनने के दो महीने बाद अतीक अहमद के गैंग ने सरेआम बीएसपी विधायक राजू पाल के साथ वो किया जिसे सुनकर आज भी लोग खौफ से कांप उठते हैं। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर हमला हुआ। राजू पाल को कई गोलियां लगी। राजू पाल के समर्थक उसे टेम्पो से अस्पताल लेकर जाने लगे। अतीक अहमद के शूटर्स को लगा कि राजू अभी जिंदा है। अतीक के शूटर्स ने टेम्पो को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। रास्ते भर राजू और उसके साथियों पर गोलियां चलाई गईं। जब तक राजू अस्पताल पहुंचा उसे 19 गोलियां लग चुकी थी। डॉक्टरों ने राजू को मृत घोषित कर दिया था। बताया जाता है कि हत्या से 9 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी। बीएसपी समर्थकों ने पूरे शहर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बहुत हंगामा हुआ। राजू की हत्या के बाद 2005 में इलाहाबाद पश्चिम सीट पर उपचुनाव हुआ। बीएसपी ने राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को टिकट दिया। सपा ने दोबारा अतीक अहमद के भाई अशरफ को उतारा। पूजा पाल के हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी और वो विधवा हो चुकी थी। चुनावी रैलियों के मंच से वो अपने हाथ दिखाकर रोने लगती थी, लेकिन उन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला क्योंकि अतीक का खौफ इतना था, जिसकी वजह से उसके भाई अशरफ को चुनाव में जीत मिल गई। हालांकि ये भी सच है कि राजू की हत्या के बाद अतीक ने भले ही अपने भाई अशरफ को चुनाव जिता लिया हो, लेकिन इस हत्याकांड ने अतीक के राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने एक बार फिर पूजा पाल को उम्मीदवार बनाया और सामने एक बार फिर था सपा का प्रत्याशी अतीक अहमद का भाई अशरफ। इस बार पूजा अशरफ पर भारी पड़ी। उन्होंने अशरफ को करीब 10,000 वोटों से मात दे दी। मायावती की सरकार आई तो अतीक अहमद और उसके भाई के दुर्दिन भी शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन मायावती सरकार ने अतीक को सबक सिखाना शुरू कर दिया। उसे मोस्ट वांटेड घोषित करते हुए उसके गैंग का पूरा चार्टर तैयार किया। पुलिस रिकॉर्ड में गैंग का नाम दर्ज होते ही 120 लोगों की लिस्ट बनी। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। एक सांसद जो इनामी बदमाश था उसे फरार घोषित करके पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। एक दिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने अतीक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा में एक अपार्टमेंट से दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और यूपी पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद अतीक का ठिकाना कभी इस जेल तो कभी उस जेल। साल 2012 में अतीक अहमद के बाहुबल को राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने अपना दल से पर्चा भरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल की अर्जी दी, लेकिन 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को जमानत दे दी। अतीक के पास अब अपने सियासी बाहुबल को बचाने का अंतिम मौका था। वो खुद पूजा पाल के सामने उतरा लेकिन जीत नहीं पाया। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अतीक फिर से अपनी हनक बनाने की कोशिश में जुट गया। अतीक के भाई अशरफ के घर की 5 बार कुर्की हो चुकी है। पुलिस घर के खिड़की दरवाजे सब उखाड़ चुकी है। अतीक भले ही नेता बन गया था लेकिन माफिया वाली छवि से कभी बाहर नहीं आ पाया। अतीक ने अपराधों और खौफ के दम पर सियासी बाहुबल हासिल किया, लेकिन राजनीति में आने के बाद उसका आपराधिक साम्राज्य और बढ़ता गया। यही वजह है कि उसके ऊपर ज्यादातर मुकदमे विधायक सांसद रहते हुए ही दर्ज किए गए। लोग कहते हैं कि वो अपने विरोधियों से बदला लेने के लिए कुख्यात है। अतीक और उसके गैंग ने 2017 से पहले तक हमेशा कानून व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन गुनाहों का ये सिलसिला पुलिस की नजरों में खटकने लगा। इसी दौर में अतीक एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। 26 दिसंबर 2018 को यूपी की राजधानी लखनऊ में कुछ गुंडों ने एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया। लखनऊ के पास देवरिया लेकर गए। वो गुंडे अतीक गैंग के थे जो बिजनेसमैन को सीधे देवरिया जेल लेकर चले गए। वहां प्रॉपर्टी विवाद में उसे पीटा और फिर सादे कागज पर साइन करवाने के बाद पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अतीक अहमद ने जेल में बैठकर इतना बड़ा कांड इसलिए करवाया ताकि उसका खौफ बरकरार रहे, लेकिन ये कांड उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। इस घटना के बाद उसे देवरिया से बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया, लेकिन वहां के जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उसे कड़ी सुरक्षा में रखने के लिए प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया गया। देवरिया जेल कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने सीबीआई को केस दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। अतीक अहमद और उसके बेटे के अलावा करीब 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी से बाहर शिफ्ट किया जाए।
3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद के खौफ को बुलडोजर से रौंदने के लिए चौतरफा अभियान चलाया। अतीक और उसके परिवार समेत गैंग के लोगों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। उसकी करीब 70 करोड़ की संपत्तियां कुर्क कर दी गईं। 2016 में मुलायम सिंह यादव के परिवार में राजनीतिक विरासत की खींचतान चल रही थी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश और शिवपाल में सियासी वर्चस्व की घरेलू जंग के बीच सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। मुलायम चाहते थे कि अतीक अहमद को टिकट मिले। उनकी मर्जी पर अतीक को कानपुर कैंट से विधायक का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन इसी बीच 14 दिसंबर 2016 का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में अतीक अहमद और उसके 60 से ज्यादा समर्थकों पर इलाहाबाद के एक कॉलेज में जाकर मारपीट और धमकाने का वीडियो सुर्खियों में आ गया। इतना काफी नहीं था कि 22 दिसंबर को अतीक अहमद 500 गाड़ियों के काफिले के साथ बाहुबल दिखाने के लिए कानपुर पहुंच गया। हमर पर सवार अतीक के काफिले की वजह से कानपुर की कई सड़कें जाम हो गईं। अखिलेश यादव से सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी में अतीक जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि 2017 के चुनाव से ठीक पहले उसने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा, कई बार निर्दलीय जीता हूं, टिकट कटता है तो कट जाए, अपना टिकट खुद बना लूंगा। फरवरी 2017 में उसे कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे जेल जाना पड़ा। मुरादाबाद से निर्दलीय पर्चा भरा, लेकिन अतीक चुनाव हार गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।